गाइस, कल मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था कि अगर किसी के पास कोई ओल्ड फ्री फायर क्लिप है तो मुझे सेंड कर दो, एक वीडियो बनाना है। तब मुझे बहुत सारे बंदे ने काफी ज्यादा ओल्ड फ्री फायर क्लिप सेंड किया। एंड एक बंदा तो ऐसा है जो सीजन 1 और सीजन 2 ही खेल पाया, बट उसके कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। जिसका मैं आप लोगों को ज्ञान गेमिंग के साथ खेलता हुआ एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा, और इसी के साथ वो बंदा किसके साथ खेल रहा था ये भी बताऊंगा। तो ये रहा वो क्लिप जो कि ये बंदा उस टाइम पे ज्ञान गेमिंग के मैच में आया था, और तब हम लोग जिसके मैच में जाना चाहे उसी के मैच में जा सकते थे, क्योंकि तब फ्री फायर खेलने वाले बंदे बहुत ही कम थे, तो हम हर किसी के साथ मैच मेकिंग कर सकते थे। मतलब भाई वो दिन इतना अच्छा था कि ना कोई कस्टम था, ना कोई नुबड़ा कहता था, ना कोई प्रो कहता था, सबके सब एक समान थे। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर गेम खेला करते थे, और जब एक दूसरे के साथ फाइट करना हो तो 1-2-3 काउंट करके एक साथ गेम स्टार्ट करा करते थे। एंड इस बंदे ने भी सेम टू सेम ऐसा ही किया था। और यहाँ पे जो सीजन 2 की लड़की है ना, वो इस बंदे की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि मुझे इसी का ऋतिक नाम का दोस्त ने ये बात बताया, जो कि मेरा एक बहुत ही अच्छा सब्सक्राइबर है। सो हुआ ये था कि ऋतिक और अरुण का घर एक साथ था, मतलब दोनों अड़ोस पड़ोस थे। अब दोनों ही फ्री फायर खेलते थे, बट ऋतिक को उसके पापा बहुत ज्यादा डांटा करते थे, तो ऋतिक उतना गेम नहीं खेलता था, लेकिन अरुण बहुत ज्यादा गेम खेला करता था, और वो अकेले अकेले बहुत दूर दूर जाके भी गेम खेला करता था। तो एक दिन इन लोगों के स्कूल पे बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, मतलब कि किसी ने नहीं सोचा था कि उस स्कूल पे भी इतना बड़ा फंक्शन होगा, और वो फंक्शन उस जगह पे पहली बार हो रहा था। तो आसपास के जितने भी गांव के लोग थे, सब लोग वहां पे जाने के लिए एकदम ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। एंड ये सब सुन के ऋतिक को भी वहां जाने का बहुत मन किया, तो उसने पहले तो अपने सारे दोस्तों को बताया, देन फिर अरुण को भी बताया। तो वो कहने लगा, नहीं यार, मुझे वहां पे नहीं जाना है, मुझे तो सिर्फ फ्री फायर खेलना है। लेकिन ऋतिक उसे बहुत ज्यादा लालच देने लगा कि वहां पे ये होगा वो होगा ऐसा बोल के, तो अरुण भी जाऊंगा कहने लगा। फिर उस रात को सब लोग खाना खा के फंक्शन देखने चले गए, और तभी अरुण को एक लड़की दिखती है, जिसे देखते ही अरुण का दिल आ गया। एंड वो ऋतिक को इधर ही बैठो बोल के उस लड़की का पीछा करने लगा। फिर थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो लड़की किसी जगह पे बैठ के फ्री फायर खेलने लगती है, और उसे फ्री फायर खेलते हुए देख अरुण उसके सामने जाता है, और सबसे पहले उसे अपना नाम पूछता है, तो लड़की साबिया बताती है। फिर अरुण ने भी उसे अपना नाम बताया, देन फिर दोनों थोड़ी बहुत तो दोस्त बन गए। एंड अरुण ने उसे डायरेक्टली तो उसका नंबर नहीं मांगा, बट उसका फ्री फायर UID मांग के उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। और फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद अरुण उसे कहता है कि तुम मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो ना। तो उस लड़की ने अरुण का फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर तो भैया दोनों साथ में गेम खेलने लगे, और अरुण को लड़की के साथ गेम खेलते हुए देख के ऋतिक भी अरुण के साथ गेम खेलने लगा। लेकिन जैसे वो लड़की ऑनलाइन आती थी, तो अरुण ऋतिक को बिना बताए उसके साथ गेम खेलता था, क्योंकि अरुण को लगता था कि कहीं ऋतिक उसे पटा ना ले। फिर एक दिन अरुण ने यूट्यूब पे ज्ञान गेमिंग का लाइव स्ट्रीम देखा, और तब नया सीजन 2 का इलाइट पास आया था, तो अरुण ज्ञान गेमिंग को सीजन 2 का इलाइट पास मांगने लगा। मतलब अरुण सीधा ज्ञान भाई के लाइव स्ट्रीम में जाके पूरा स्पैम करने लगा कि मुझे सीजन 2 का इलाइट पास दो, मुझे सीजन 2 का इलाइट पास दो। लेकिन ज्ञान भाई ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो भैया अरुण को आया बहुत गुस्सा। एंड उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि आज तो इस यूट्यूबर के साथ मैच मेकिंग करके इसे मार के ही छोड़ेंगे। फिर जैसे अरुण ने ज्ञान गेमिंग के साथ मैच मेकिंग करने की कोशिश की, तो एक ही बार में मैच मेकिंग हो गया। तब जैसे इन लोगों ने मैच मेकिंग किया, तो ये लोग ज्ञान गेमिंग को चारों तरफ ढूंढने लगे, और फाइनली ज्ञान गेमिंग भी मिल गए। तो ये लोग एकदम से फाइट करने लगे, जिसमें कि इन लोगों ने ज्ञान गेमिंग को कुछ इस टाइप से मार दिया। और तब अरुण बहुत ज्यादा खुश होके ऋतिक और उसके जितने भी दोस्त थे सबको ये बात सुनाने लगा। फिर ये बात सुनके किसी ने उसका विश्वास किया, तो किसी ने उसका भर भर के मजाक उड़ाया। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद जब अरुण अपने पापा के डर से पास के जंगल में गेम खेलने गया, तो वहाँ पे अरुण को स्नेक बाइट हो जाता है, मतलब कि एक सांप आके अरुण को काट देता है, तो अरुण का वहीं पे मौत हो जाता है। सो ये थी अरुण की स्टोरी, और एक बंदा का ऐसा ही स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को अभी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग अरुण की प्रोफाइल देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि मैंने बंदे की UID सर्च कर ली है, और आप लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा कि बंदा बिल्कुल भी गेम में एक्टिव नहीं है। वरना खुद ही सोचो, जिसने उस टाइम में 44 लेवल बना लिया था, भला आज वो बंदा गेम क्विट क्यों करता? क्योंकि उस टाइम का 44 लेवल ही आज का 70 लेवल जैसा था, मतलब तब गेम ही कुछ अलग था यार। एंड यहाँ पे आप लोग इसका इलाइट पास का बेजेस देख ही सकते हो, जो कि बंदा ने फर्स्ट इलाइट पास का 200+ बेजेस कलेक्ट किया था। तो यार आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा टप के टाइम पे कितना ज्यादा गेम खेलता था। सोलो पे इसने 500+ मैचेस खेला था, जिसमें कि 2.44 का KD है। हेडशॉट रेट की बात करें तो 19% का हेडशॉट रेट है, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा था। एंड स्क्वायर का KD वगैरह भी आप लोग देख ही सकते हो, जो कि बंदा बहुत ही अच्छा खासा प्लेयर था। एंड अब मैं आप लोगों को टू साइड गेमर का एक ऐसा फ्रेंड को दिखाने वाला हूँ, जो कभी टू साइड गेमर का हर कस्टम खेला करता था। अगर यकीन नहीं होता तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कस्टम मैच है, बट यहाँ पे रूल ये था कि कोई भी बंदा गन नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे एक बंदा इस रूल को तोड़ के जस भाई को गन उठा के मारता है, तो उन्होंने सोचा चलो अब मैं इस बंदे को मार के गन ले लेता हूँ। लेकिन जस भाई ने जैसे इसका गन लिया, तो पीछे से उसी बंदे ने जस भाई को मार दिया। तब जस भाई इतना गुस्सा हुए कि लाइव में गाली बकने लगे, और बाद में जो इस बंदे के साथ किया ना, वो तो सुनने लायक है। तो इस
बंदे का नाम तो हितेश है, लेकिन इसको सब लोग हिजाक बुलाया करते थे, तो हम भी इसको हिजाक बुलाएंगे। एंड ये बंदा बहुत ही उत्पटंग टाइप का था, जो हमेशा कोई ना कोई काम तो बिगाड़ता ही था, और इसीलिए इसके मम्मी पापा भी इसे कुछ भी नहीं कहते थे, बस बंदा हमेशा गेम पे लगा रहता था। फिर एक दिन हिजाक के पास उसी का पड़ोसी दोस्त आया, जो कि रोहित नाम का था। एंड अब वो मेरा एक सब्सक्राइबर है, जिसने मुझे इसकी सारी पोल खोल दी। तो उस दिन रोहित हिजाक के पास आता है और हिजाक को कहता है कि भाई मुझे भी थोड़ी बहुत टॉपअप कर देना। तब हिजाक कहता है, अरे यार अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले टॉपअप किया, अब मैं कहां से करूं टॉपअप, मेरे पास एक रुपए पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी रोहित नहीं मानता है और जिद करने लगता है। बट बहुत ज्यादा जिद करने के बाद भी हिजाक ने रोहित को टॉपअप नहीं कर दिया, तो रोहित हिजाक को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तूने मुझे टॉपअप नहीं कराया तो मैं तेरे मम्मी पापा को बता दूंगा कि तू गेम में पैसा लगाता है। फिर ये सब सुनकर हिजाक भी काफी ज्यादा डर जाता है और पास के ही दुकान पे जाके रोहित को टॉपअप कर देता है। लेकिन भैया तब से तो हर रोज रोहित हिजाक के पास आने लगा और उसे ब्लैकमेल करके कहने लगा कि मुझे टॉपअप कर दे वरना मैं तेरे मम्मी पापा को बता दूंगा। तब हिजाक ने उसे 2-3 बार तो टॉपअप कर दिया, लेकिन जैसे सीजन 7 का इलाइट पास आया तो उस इलाइट पास को देख के हिजाक को भी उसे लेने का बहुत मन किया। बट उधर से रोहित आता है और हिजाक को कहता है कि तू मुझे इलाइट पास निकाल दे, आज के बाद तुझे मैं कभी भी ब्लैकमेल नहीं करूंगा। लेकिन इस बार हिजाक नहीं माना और रोहित को बहुत ज्यादा गालियां देने लगा, तो रोहित को भी गालियां सुन के बहुत गुस्सा आया एंड वो भी हिजाक को गाली देने लगा। तब दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, तो रोहित ने सीधा जाके हिजाक के पापा को बता दिया कि आपका बेटा ऐसा ऐसा गेम पे टॉपअप करता है। लेकिन जैसे रोहित ने बताया, हिजाक तुरंत अपना घर छोड़ के बस स्टेशन पे पहुंच गया, जहां पे उसे बहुत सारी बस मिलती है एंड उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए किस बस पे। फिर हिजाक मन ही मन सोचता है कि नहीं यार, मैं अपना ही घर जाऊंगा, क्या पता मुझे ये लोग कहीं पे ले जाके बेच दे। तब हिजाक फिर से वहां से लौट के अपना घर आया और जैसे अपना घर आया तो अपना मम्मी पापा दोनों का बहुत ही गंदी तरीके से धुलाई का आया एंड उसके मम्मी ने हिजाक का फोन भी छीन लिया। तब हिजाक कई देर तक रोता रहा, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसे फोन ही नहीं दिया। फिर एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन हिजाक देखता है कि उसकी मम्मी ने तो उसका फोन अपना बक्सा पे छुपा रखा है। तब हिजाक रात को ही उठकर अपना फोन वहां से चुरा लेता है और उस फोन को चुराते समय वो अपनी मम्मी के बक्सा में 500 रुपए भी देखता है, तो लालच में आके वो उसे भी निकाल लेता है और फिर सीधा दुकान पे जाके 500 का टॉपअप मारता है। देन फिर सीजन 7 का इलाइट पास निकाल लेता है और तब से हिजाक अपने मम्मी पापा से छुप छुप के गेम खेलने लगा, यहाँ तक कि ये बात बहुत ही कम बंदों को पता थी। फिर ऐसे एक दिन हिजाक को यूट्यूब देखते देखते टूसर गेमर का चैनल मिलता है और वो लोग सब्सक्राइब करने को कहते हैं, तो ये सब्सक्राइब भी कर देता है। फिर जैसे इसने सब्सक्राइब किया तो वो लोग लाइव में अपने सब्सक्राइबर के साथ गेम खेलने लगे, तो ये बेचारा बिना रूल को समझे कस्टम पे घुस गया और गन उठा के जस भाई को मार दिया, तो वो काफी गुस्सा हो गए और बेकार में इसको गालियां पड़ी। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब बंदे के पास एक ही फोन हो तो वो बंदा लाइव देखेगा या फिर कस्टम खेलेगा, मतलब बेचारे को ऐसे ही बेकार में गालियां मिली। फिर टूसाइड गेमर ने इसको लाइव स्ट्रीम में कभी भी नहीं खिलाया, जब भी ये बंदा कस्टम में घुस जाता था तो टूसाइड गेमर इसको निकाल देते थे। फिर ऐसे ही करते करते एक दिन हिजाक के मम्मी पापा को भी पता चल गया कि हमारा बेटा ऐसे ऐसे करके गेम खेलता है, तो उन्होंने गुस्से में आके हिजाक का फोन ही तोड़ दिया। तब हिजाक को अपना आईडी पासवर्ड कुछ भी याद नहीं था, तो बेचारा नया फोन लेने के बाद भी अपना पुराना वाला आईडी लॉगिन नहीं कर पाया। तो ये तो थी हिजाक की पूरी स्टोरी। एंड अब मैं आप लोगों को इसका पूरा प्रोफाइल दिखा देता हूं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने बंदे की यूआईडी सर्च कर ली है और बंदा 30 दिन से भी ज्यादा ऑफलाइन है, मतलब यहां पर 30 दिन दिखा रहा है बट बंदा बहुत सालों से ऑफलाइन है। और यहां पे इसका प्रोफाइल देखो जो कि बहुत ही खतरनाक है। एंड यहां पे आप लोग इलाइट पास का बेजेस देख ही सकते हो, जो कि बंदा सीजन 1 से खेलते हुए आया है और इसने सीजन 7 का इलाइट पास लेके रखा है, मैंने आप लोगों को बोला था, तो यहां पे आप लोगों ने देख ही लिया। लेवल वगैरह की बात करें तो बंदे का 53 लेवल था। एंड केडी रेट वगैरह की बात करें तो आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, जो कि पहले का टाइम का केडी रेट वगैरह है। एंड अभी तक ये बंदा गेम में कंटिन्यू खेलता रहता तो आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा प्रो बनता। सो होप करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। शायद से अभी तक तो हो भी चुका होगा, अगर हो चुका है तो कमेंट में कांग्रेचुलेशन जरूर से लिख देना।